हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज मैं आपको दिखाऊंगा गेम लूप का एक बेहतरीन लैग-फ्री सेटिंग्स, जिसमें कि आप गेम लूप का जो स्मूथ है उससे उसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके सुपर स्मूथ और 90 FPS पे गेम को और भी अच्छी तरीके से और भी स्मूथनेस तरीके से इंजॉय कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले अगर आपको गेम लूप को छोड़ के PC को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसका मैंने सेटिंग्स बता के रखा है एक और वीडियो में। अगर इस वीडियो में मैं उसको बताऊंगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो सबसे पहले आपको 3 लाइन पर चले जानी है, सेटिंग्स पे चले जानी है, इधर पे बेसिक पे सबको अनचेक रखनी है, कंट्री अपने हिसाब से रख देनी है, इंजन दोस्तों ऑटो, ठीक है, और डायरेक्ट एक्स ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास 6 कोर 12 थ्रेड है और अच्छा खासा GPU है, 2060, 1060, 1650 ऐसा कुछ GPU है तो ओपन जीएल ट्राई करना, ठीक है। अगर आपके पास एक्सट्रीमली लो एंड CPU है, यानी कि 4 कोर 4 थ्रेड, 2 कोर 2 थ्रेड, 2 कोर 4 थ्रेड ऐसा कुछ CPU है तो ऑटो रखना, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा CPU है? टास्क मैनेजर पर राइट क्लिक करना है, इधर पे दोस्तों आपको परफॉर्मेंस पे जाके CPU के ऊपर क्लिक करना है, आपको इधर पे देखिएगा लॉजिकल प्रोसेस एंड कोर्स, ठीक है। 4 कोर 4 थ्रेड, अगर आपके इधर 4 कोर 8 थ्रेड है तो ठीक है, तब भी आप ऑटो रखना, अगर 6 कोर 12 थ्रेड है तो डायरेक्ट एक्स रखना, और 8 कोर है तो ओपन जीएल ट्राई करो गाइस, बेस्ट गेम चलेगा मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर पे दोस्तों जो बॉक्स है ऐसा ऐसा रहेगा, सबसे इनेबल रेंडरिंग कैसे इसको चेक करना है, फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैसे इसको भी चेक करना है। अगर आपके पास GPU है तो इस बॉक्स को चेक करो, अगर आपके पास GPU नहीं है तो इस बॉक्स को मत चेक करो गाइस, ठीक है। अगर आपके पास GPU नहीं है तो दोस्तों आपको डायरेक्ट एक्स पे खेलना है, ठीक है। अगर आपके पास GPU है, 1 GB का हो, 2 GB का हो, कोई भी GPU हो, इस बॉक्स को चेक रखना है और ऑटो आपके लिए इनेबल हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन इसको ऑन करना है। वर्टिकल सिंक देखो, वर्टिकल सिंक वो चीज़ है गाइज, अगर मान लो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, मान लो आपकी डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है, दिखा देता हूँ एक सेकेंड, सॉरी, डिस्प्ले सेटिंग्स, इधर पे एडवांस, इधर पे सो देखो रिफ्रेश रेट, ठीक है ना, इधर पे मेरा 59 पॉइंट ऐसा कुछ, यानी कि 60 हर्ट्स का है, तो दोस्तों मेरे डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है, ठीक है। और इधर पे जो कि है सेटिंग्स ऑन कर लेता हूँ, रिफ्रेश रेट मेरे 60 हर्ट्ज़ की है, आपने चेक करने की कितनी है। अगर आपके पास 60+ रिफ्रेश रेट है या फिर 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, तो इसको ऑन रखने से क्या होगा कि आपका जो गेम है वो 60 FPS पे लॉक हो जाएगा, यानी कि आप 90 FPS का मज़ा नहीं ले पाओगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले तो 60 FPS पे ही खेलो, 90 हर्ट्ज़ का मज़ा मत लेने जो, क्योंकि देखो अगर आप जो है मारुति सुजुकी ऑल्ट्रो 800 को फॉर्चुनर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा परफॉर्मेंस आएगा, सेम चीज़ है गाइज, 90 FPS आपको बाहर से मिलेगा, लेकिन अगर आप गधा को घोड़ा बनाओगे तो कैसा लगेगा, वही सेम चीज़ है गाइज, ठीक है ना। इसको चेक करके रखना आपकी डिस्प्ले के जितने रेजोल्यूशन है, तो ये देखिए दोस्तों डिस्प्ले जो है अवॉइड स्क्रीन ट्रेडिंग वगैरह को अवॉइड करती है, ठीक है ना, सिंगल FPS विद डिस्प्ले रिफ्रेश रेट लिखा भी है इधर गाइज, ठीक है। तो इसको ऑन रखना, ठीक है, 90 हर्ट्ज़ है कुछ भी है इसको ऑन रखना, और एंटीलिशिंग दोस्तों ऑफ रखना है, मेमोरी दोस्तों ऑटोमेटिक रखनी है आपको, प्रोसेसर भी ऑटोमेटिक रख लिए। रेजोल्यूशन दोस्तों देखो, अगर आपके पास ठीक ठाक सिस्टम है तो सब 1080p पे खेल सकते हो, ठीक है, यानी कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU और GTX 660, यानी कि 1050 Ti, 750 Ti या फिर 1660, 1650 या फिर उससे ऊपर लेवल का GPU है तो सब 1080p के साथ खेल सकते हो। और ध्यान रखने वाली बात है, आपका डिस्प्ले भी 1080p होना चाहिए, अगर डिस्प्ले 1080p नहीं है तो दोस्तों की कुछ फ़ायदा नहीं है, 720p खेलो। लेकिन जब बात आती है लो एंड PC वालों के लिए, तो मैं सबसे लोएस्ट वाला ही रिकमेंड करूँगा गाइस, DPI 240 डिफॉल्ट खेल दो, आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी खेलो, DPI है डॉट पर इंच होती है गाइस, ठीक है, ऐसा कोई परफॉर्मेंस पे मसला नहीं आएगा इससे। ऑडियो चलो दोस्तों डायरेक्ट साउंड रखना है आपको, ठीक है। मॉडल दोस्तों आपको आसूस रॉक टू सेलेक्ट करना है, वन की कॉन्फिगरेशन आसूस रॉक टू रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गेम पे दोस्तों देखो, इधर पे दोस्तों अगर आप स्ट्रीम वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते, अगर आपके पास 4 कोर CPU है और अच्छा खासा GPU है, 6 कोर CPU है, 1080p के साथ खेल सकते हो, इसमें मसला नहीं आएगा। इस पे दोस्तों ग्राफिक्स क्वालिटी आप दोस्तों दोनों ऑप्शन है, अगर आपके पास ठीक ठाक सिस्टम है, यानी कि 6 कोर वाला CPU और अच्छा खासा GPU HD के साथ खेल सकते हो, ठीक है। और डिस्प्ले दोस्तों 60 रखना है, अगर 90 हो तो 90 रखना, ठीक है। और अगर आपके पास एक लो एंड सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, आपको रखना है HD 720p, ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों रखना है आपको स्मूथ पे, FPS दोस्तों आपको रखना है 60 पे, ठीक है। मैंने बता दिया लो एंड वालों के लिए सेटिंग्स और हाई एंड वालों के लिए गाइस ए सेटिंग्स, ठीक है। और
ऐसे मैं लो एंड का करता हूँ क्योंकि मेरे पास ही लो एंड पीसी है, मैं इस सेटिंग्स पे ही लाइव स्ट्रीम करता हूँ। बहुत भाई और पूछता है मेरे को कौन सा सेटिंग्स है, तो गाइस इस सेटिंग्स का ही मैं यूज़ करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे। इसके बाद इसको कर देना है सेव गाइस। उसके बाद दोस्तों जब पबजी मोबाइल को ऑन करोगे ऐसे, ठीक है, तो इसको बैक पीछे वाला जो ऐप मार्केट इसको क्लोज कर देना है और इधर से भी इसको क्विट कर दे दिए। और ध्यान रखना गेम जब खेलोगे आपका एंटीवायरस जो है बंद होना चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए चारों चीज़, वरना सीपीयू लेता रहता है बैकग्राउंड में। जब आपके पास ऐसे स्क्रीन आ जाएगा गाइज, आपको थोड़ा बैक आ जाना है, F11 दबा दो तो नीचे खींचना है, थोड़ा सेटिंग्स पे चले जानी है। सबसे नीचे आपको दिखेगा अबाउट टेबलेट, इसके ऊपर टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, बिल्ड नंबर। इसके बाद दोस्तों 5-6 बार टैप करना है तो दिखाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर, ओके। उसके बाद 3 लाइन पे चले जानी है, से डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर जानी है। तेरे पे 2-3 चीज़ हमको सेटिंग्स करनी है ताकि ये अपना परफॉर्मेंस पे और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। विंडोज एनिमेशन स्केल इसको आप रखनी है, टेस्टलेशन एनिमेशन स्केल इसको भी आप रखनी है, एनिमेशन ड्यूसल स्केल इसको भी आप रखनी है, और फोर्स जीपी रेंडरिंग इसको ऑन कर देना है, और फोर्स 4xMHW इसको ऑन कर लेना है, और डिसेबल HW ओवरलेस इसको ऑन कर लेना है। इसको तभी ऑन करोगे जब वो ओपन जेल पे खेलोगे, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप गेम को ओपन जेल पे खेलोगे तभी इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जानी है, और दोस्तों इधर पे आपको कीबोर्ड पे दबानी है F9, ब्राउज़र खुल जाएगा, ब्राउज पे क्लिक करनी है आपको। दोस्तों इधर पे मैं दिखा देता हूँ, ब्राउज पे जाने के बाद आपको दोस्तों इधर पे गूगल पे लिखना है PGTAPKPUR, सॉरी RE, ओके, एंटर दबा देना है। पहली वाली जो लिंक है गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, और जो इस टूल को मैं डाउन कर रहा हूँ गाइस, जिस DFX टूल को, ये 100% बैन फ्री है गाइस, मेरी गारंटी है। अगर आप मतलब गेम की फाइल में कुछ छेड़कर ही नहीं करोगे कभी भी बैन नहीं पड़ेगा गाइस। मैं क्योंकि एक सीज़न 2 सीज़न तो इस पर खेल लिया, और पहले मैं खेलता था, कोई बैन नहीं पड़ा गाइस। आपको दोस्तों सिंपली डाउनलोड APK क्लिक करनी है, तो इधर पे दोस्तों जो डाउनलोड है चालू हो जाएगा। इस टूल के मदद से मैं पहले दिखाया था अल्ट्रा HDR, अभी दिखाऊंगा सुपर स्मूथ गाइस, ठीक है, हो गया। इसके ऊपर क्लिक करते ही इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इधर इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है, सिंपल सी बात, ओपन कर लेना गाइज। अभी गाइज एक भी स्टेप मिस मत करना, वर्जन अगर आप ग्लोबल हो तो ग्लोबल, कोरियन हो तो आपको इधर पे कोरियन, वियतनाम हो तो वियतनाम, कोई भी कर सकते हो, मैं ग्लोबल खेलता हूँ इसलिए ग्लोबल कर दिया। रेजोल्यूशन दोस्तों आपको रखनी है डिफ़ॉल्ट पे। ग्राफिक्स दोस्तों देखो इधर पे अल्ट्रा HDR है और ऊपर है सुपर स्मूथ, तो मैं लो एंड PC वालों के लिए बता रहा हूँ, ग्राफिक्स थोड़ा लो हो जाएगा लेकिन स्मूथनेस बहुत अच्छा आएगी आपको, सुपर स्मूथ करते हैं हम। स्टाइल दोस्तों हमको रखनी कलरफुल। FPS दोस्तों रखनी है 90 इफ़ पॉसिबल, अगर आप 90 FPS पे खेलोगे, अगर 60 Hz का डिस्प्ले है तो 60 रखना है, ठीक है, तो मैं 90 रखता हूँ। और कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको करनी है फोर्स अप्लाई के ऊपर क्लिक, ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन है, अगर प्रोसीड करना है आपको स्टोरेज पे चले जानी है, और आपको दोस्तों क्लियर डेटा इसके ऊपर एक बार कैच करनी है, क्लियर डेटा करनी है, हो गया। बैक आ जाना है, F11 दबाना है, परमिशन पे चली जानी है। इधर पे दोस्तों माइक्रोफोन स्टोरेज दोनों को परमिशन दे देनी है, बैक आ जानी है, बैक आ जानी है, फोर्स अप्लाई पे क्लिक करनी है, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करना है। अभी आपको एक ऐड शो होगा, अरे पीछे आ पीछे आ, वो यूज़ ही जो ऐड शो हो रही है इस ऐड को ख़त्म करना है पूरी। तो गाइज फाइनली हो चुका कंप्लीट, इधर को इसको क्लोज कर देना है और रन गेन के ऊपर आपको क्लिक करनी है गाइज, ठीक है। तो गेम हो चुका है ओपन गाइज अपना, देख सकते हो फटाफट, और जो इनविडिया की सेटिंग्स मैं लाऊंगा 1-2 दिन में, और PC का जो फुल ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स है गाइज उसको आपको डेफिनेटली वॉच करनी है गाइज, ठीक है। और इस सेटिंग्स की मदद से आपको सुपर स्मूथ जो है इनेबल हो जाएगा गाइज, मैं आगे चल के आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ गाइज। आप FPS नोटिस करोगे तो गाइज इधर कितनी आ रही है, ठीक है, FPS नोटिस करना बस। तो गाइज अगर आपको ऐसी एरर आ जाए ना, कुछ नहीं करना गाइज, आपको एक सिंपली बस एक VPN लगाना है। तो इस बार मैंने गाइज फिर से कनेक्ट कर लिया VPN को, और इस बार इसके बाद जो है जो प्रॉब्लम है गाइज ये हो जाएगा सॉल्व। तो कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी कनेक्टिंग हो रहा है गाइज। इसका नाम है बेटानेट गाइज, आप भी चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री वाला वर्जन है, स्किप कर देता हूँ। कनेक्ट हो चुका है, इसको अभी दोस्तों देखो कनेक्ट करूँगा फटाफट गाइज, जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी गाइज। और दोस्तों जब प्रॉब्लम फिक्स हो गई तो हमको VPN की जरूरत नहीं, इसको हम क्लोज कर देंगे इसको,
और इधर से भी इसको कर देंगे क्विट गाइस। ठीक है, नो वीपीएन गाइस, देखो कोई भी वीपीएन नहीं है, बिना वीपीएन का गेम चलेगा मस्त, पिंग भी मस्त आएगी गाइस। ठीक है, मैं आगे चल के आपको सेटिंग्स भी दिखाऊंगा, दिखाना चाहूंगा गाइस, तो वीडियो में स्टे ट्यून करना गाइस। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो मैं आ चुका गेम के अंदर, अभी ग्राफिक्स में दोस्तों आपको कुछ शेयर करने नहीं करनी है। ठीक है, इधर पे दोस्तों देखो सुपर स्मूथ इनेबल हो चुका है, आपको दिखने आ रहा है लेकिन स्मूथ में नहीं है, 90p है, इधर पे भी 90p है और कलरफुल है। अगर आपके पास एक्सट्रीम 60Hz का डिस्प्ले, एक्सट्रीम पे ट्राई करो, उस वक्त एक्सट्रीम करना, उधर 90 नहीं करना। और इन इधर आके गाइस इधर को छेड़खानी मत करना, बस 30fps पे लॉक हो जाएगा गेम, सीधी सीधी बता रहा हूँ गाइस। इधर पे दोस्तों कुछ चेंज मत करना गाइस, सीधी सीधी लॉक हो जाएगा। इस पे दोस्तों आप चेंज कर सकते हो सिर्फ ब्राइटनेस को, ठीक है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कुछ अदर्स कुछ छेड़खानी मत करना गाइस। FPS गस दोस्तों घटिया आएगी, 30fps पे गेम लॉक हो जाएगी, फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे गाइस क्या सेटिंग्स दिखाया। ठीक है, स्मूथनेस देखो, चलो मैं ट्रेनिंग पे भी दिखा देता हूँ आपको एक। ठीक है गाइस, बढ़िया गेम चलेगी, नो लैग गेम चलेगी गाइस, मक्खन गेम चलेगी गाइस, मेरी खुद की गारंटी है गाइस, नो बैन। अगर आप फाइल में कुछ छेड़ मैंने मेरे अपनी मेन आईडी पे लगाया जाए GFX, कोई डर नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है मैं हैक वगैरह कुछ फाइल वगैरह नहीं करता हूँ, तो बैन नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो अभी इधर पे नोटिस करो गाइस क्या लिखा है, सुपर स्मूथ लिखा आ रहा है गाइस। ठीक है, सुपर स्मूथ लिखा आ रहा है, देख लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी गाइस देखो ना, स्मूथनेस देखो यार, मज़ा सा आ रहा है गाइस। देख लो गाइस, स्मूथनेस गाइस, ठीक है ना, तो देखो नो लैग गाइस, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, देखो सुपर स्मूथ लिखा है इधर, तो लॉबी में चलते। आई होप गाइस इस सेटिंग्स को अप्लाई करो, आपका जो गेम का लैग है और भी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो आशा करते हैं गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना अपना ओपिनियन और मेरे को किस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी और दिन और वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।